चनी साहब, एसपीजी की जो ब्लू बुक है उसके हिसाब से स्टेट पुलिस क्लियरेंस देती है, गो हेड करती है, सिग्नल देती है, तभी उसी की अनुमति पे प्राइम मिनिस्टर का काफिला या एसपीजी आगे बढ़ती है। एसपीजी सिर्फ क्लोज सर्कल के लिए होती है, प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए नहीं। जी नहीं, टोटल कंट्रोल एसपीजी करती है। एसपीजी ने रूट बनाया, पहले 3 बार हेलीकॉप्टर उड़ाकर देखा, बठिंडा से फिरोजपुर, फिरोजपुर से बठिंडा के सही उड़ रहा है। उन्होंने बाई एयर का फैसला किया तो ग्राउंड का फैसला क्यों किया? अगर एक्चुअली क्या बात है, वहां रैली रखी गई थी, 70,000 कुर्सी लगा दी, 700 बंदा पहुंचा, खाली कुर्सियां दिख रही थी, तो वापस तो 10 किलोमीटर आगे से भी जाना था, तो 10 किलोमीटर पीछे से ही निर्णय ले लिया कि वापस चले। और बजाय इससे कि एनडीटीवी आज तक जितने भी टीवी हैं, बजाय इसके कि वो दिखाते कि जी प्रधानमंत्री गए और टोटल पंडाल खाली था, उन्होंने उस बात को मोल्ड करके सिक्योरिटी पे डाल दिया कि जी ये मेरी लाइफ को खतरा हो गया, मुझे सिक्योरिटी खतरा हो गया। प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो क्यों ना उसको कोई भी मीडिया या आम आदमी कंसर्न होगा चन्नी साहब कि मैं जिंदा बच गया। लेकिन यार इतनी छोटी इतनी ऐसी बातों पे राजनीति क्यों करो आप? प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है देश के, किसी पार्टी के मेरे आदरणीय है प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री हैं, हमारे पंजाबियों के प्रधानमंत्री भी हैं, पंजाब के प्रधानमंत्री भी हैं, हम मानते हैं, हम सम्मान करते हैं, हम सम्मान में बुके लेकर खड़े थे, हमने जो हमें ड्यूटी मिली वो की है। लेकिन ये कहना कि पंजाब सरकार की गलती है या पंजाब पुलिस की गलती है, ये गलत है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश नहीं की और कहा गया कि बल प्रयोग नहीं करना है, जिस वजह से पुलिस लाचार थी। सुनो, रात को 1:30 बजे मैंने डायरेक्टर आईबी से टेलीफोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। सुबह 6:30 बजे मेरी उनसे बात हुई है, अभी भी मैं आपको दिखाऊं मेरे मोबाइल में वो कॉल है जो मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने भी सेटिस्फेक्शन जारी की, मैंने भी, कि हाँ ठीक है प्रदर्शनकारी उठ गए। ये सुबह जब वो उस रोड पे जा रहे थे, गांव से आकर निकल कर बैठ गए 10 आदमी, गांव नजदीक ही है, तो इसको हटाया जा सकता था, ये प्यार से भी बात सेटल हो जा सकती थी। अगर वापस चले गए तो भी क्या हो गया, यूपी में भी ऐसे एक दो बार अल्टरनेट रूट भी तय होता है जब किसी स्टेट में कहीं जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। एसपीजी करती है, पंजाब सरकार नहीं, स्टेट पुलिस उसको उसमें कुछ नहीं करती, फैसिलिटेट करती है। आज हम, मैं आज भी कह रहा हूँ, फैसिलिटेट किया, पुलिस जब वहां आ गए तो पुलिस ने बताया कि आगे रास्ता ब्लॉक हो गया है, हमें वापस जाना होगा। इसमें गलती क्या हुई? अगर जाते जाते कोई आकर बैठ गया है आगे तो वापस आना ही पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के या वहां उसको हटाना पड़ेगा, दोनों में से एक बात करोगे आप? लेकिन कांग्रेस में थ्रेट कहां हो गया लाइफ को? लेकिन इसमें नेशनलिज्म की बात कहां आ गई? लेकिन यहां पंजाब नेशनलिस्ट नहीं रहा, ये बात कहां आ गई? लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता चन्नी साहब जश्न मना रहे थे, जिन्होंने कहा हाउ इज द जोश, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक ट्वीट किया कि हाउ इज द जोश, उत्साह में थे, सेलिब्रेट कर रहे थे इस पूरी घटना को, ये किस ढंग से देख रहे हैं, ये क्या ठीक था? मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमें खेद है कि प्रधानमंत्री जी को वापस लौटना पड़ा, चाहे कारण कोई भी रहे हो, लेकिन हम कोई जश्न नहीं मना रहे, हमें इसका कोई खुशी नहीं है, मैंने खुद खेद प्रकट किया है, तो इसमें क्या गलती है? अरे ये भी कहा गया, गृह मंत्रालय बार बार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, आप फोन पे नहीं आए। गृह मंत्री जी से 3 बार बात हुई है, उनका पहले रात को टेलीफोन आया था, मैंने उनको टेलीफोन करके बताया कि रास्ता एक बार क्लियर हो गया रात को, वो रास्ता प्रधानमंत्री जी का नहीं था, वो रैली को जाने वाले लोगों का था। अरे आपकी रैली में इकट्ठ नहीं हुआ तो मेरी क्या गलती है? लोग इकट्ठे आपको प्यार नहीं करते, आपकी रैली में नहीं आए तो मेरी क्या गलती है? तो आप अपने आप को सुधारो, लोगों को नफरत की राजनीति छोड़कर प्यार की राजनीति करना सिखाओ और प्यार की करो। चलिए सब, कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी थी आपको लगता है जिस वजह से सारा कुछ हुआ? कोई कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं थी, ये टोटली एक्सीडेंटली लोग प्रदर्शनकारियों को रोक, प्रदर्शनकारी 5-7 आदमी या जितने भी थे, एक ट्रॉली लेकर आगे आ गए, ट्रॉली जो ट्रैक्टर ट्रॉली होता है किसानों का, उनकी कोई नियत ऐसी, आज तक 1 साल प्रदर्शनकारी दिल्ली में रहे, कभी प्रधानमंत्री पे अटैक हुआ? वहाँ मुख्यमंत्री रोज निकलते हैं, मैं कितनी बार निकल के आया उनके, पीसफुल एजिटेशन 1 साल चला है। इसलिए बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि पंजाब का विकास हो, क्योंकि विकास योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री यहाँ पे प्रोग्राम करने वाले थे,
कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं होगा, ये बीजेपी का। किसी ने रोक लिया, आप कर दे पर घोषणाएं, आप क्यों रोका है? किसी ने रोक दिया है? दिल्ली से कर दो, फिर दोबारा आ जाओ, हम आपको स्वागत करते हैं। एक एक आप एयरपोर्ट पे भी नहीं गए उनको रिसीव करने के लिए? मैंने पहले उनसे परमिशन मांगी, मेरा पीए और मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी दोनों कोविड पॉजिटिव आ गए। मैंने लिखती भेजा कि जी मुझे आदेश जारी किए जाए, मैं आपको स्वागत करने आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दो आदमी कोविड में आ गए, बताओ मैं वहाँ आऊँ? वहाँ से लिख कर आ गया कि आप मत आओ, लेकिन आप उस पे जूम पे अटेंड कर सकते। तो मैं तो वहाँ जूम पे बैठा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि अभी प्रधानमंत्री जी आएंगे, अभी प्रधानमंत्री जी आएंगे। मुझे तब पता चला जब मुझे अमित शाह जी का टेलीफोन आया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को वापस लौटना पड़ रहा है। तो मैंने डीजी से सबसे बात की कि क्या हुआ, तब मुझे ये सारी स्थिति का पता चला। तो आपने कोई जिम्मेवारी तय की, किसी की जवाबदेही तय की इस पूरी घटना? मैंने पंजाब में एक एक्स हाईकोर्ट जज, फॉर्मर हाईकोर्ट जज को इसकी जिम्मेवारी सौंपी है कि वो इंक्वायरी करे। उनके साथ अपने होम मिनिस्टर को लगाया है, दो मेंबरों की एक कमेटी बना दी, एक कमीशन बना दिया है हाईकोर्ट, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के अंडर, जो इसको देखेगा और पूरी इंक्वायरी की 3 दिन में मुझे रिपोर्ट देगा।